देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आइए एक नजर डालते हैं आयुष्मान भारत की कुछ खास बातों पर जो आपको जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को 23 सितंबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची झारखंड से लॉन्च कर दिया। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 24 सितंबर से आयुष्मान भारत प्रभावी तौर पर पूरी तरह से लागू हो गया है। अभी देश के 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 445 जिलों में ये योजना लागू होने जा रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने अभी इसे नहीं अपनाया है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आइए आपको बताते हैं इस स्कीम की खास बातें। कितने परिवार हो रहे हैं कवर? इस स्कीम के तहत 10.74 करोड़ यानी 10.74 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे। इनमें से करीब 8 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं तो करीब 2.4 करोड़ शहरी। इस तरह देश की करीब 40% आबादी को इसके तहत मेडिकल कवर मिल जाएगा। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होगा। हर लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी या निजी अस्पताल में प्रति साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगी खर्च। इस योजना पर होने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। पीएम जय पर आने वाले खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। 2018-19 के बजट में केंद्र इस मद में 2000 करोड़ रुपए की टोकन मनी उपलब्ध करा चुका है। क्या होगी आरोग्य मित्रों की भूमिका? नेशनल हेल्थ एजेंसी ने लाभार्थियों की मदद के लिए 14,000 आरोग्य मित्रों को अस्पताल में तैनात किया है। आरोग्य मित्र मरीजों की पहचान सत्यापित करेंगे और उनके इलाज के दौरान मदद करेंगे। लाभार्थियों के वेरिफिकेशन में इन आरोग्य मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा किसी भी पूछताछ और समस्या के समाधान के लिए भी मरीज इन लोगों से संपर्क कर सकेंगे। किन लोगों को मिलेगा लाभ? 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में गरीब के तौर पर चिन्हित किए गए सभी लोगों को इसके लिए पात्र माना गया है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई शख्स 2011 के बाद गरीब हुआ है तो वो इसके फायदे से वंचित हो जाएगा। बीमा कवर के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं रहेगी, न ही परिवार के आकार को लेकर कोई बंदिश है। इसका मकसद सभी गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाना है। कैसे चेक करें अपना नाम? योजना को संचालित करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी ये जांच सकता है कि लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल है या नहीं। लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए आप mera.pmjay.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को वेबसाइट में डालिए। उसे सबमिट करने के साथ ही आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे जहां आपके बारे में सवाल होगा। जवाब देते ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर आप जानकारी ले सकते हैं। किस अस्पताल में इलाज, सरकारी या प्राइवेट? इस योजना के लिए सरकार की सूची में शामिल सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में आप अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार को अब तक देश भर से 15,500 से ज्यादा अस्पतालों ने इससे जुड़ने के लिए आवेदन दिया है।
इनमें से 7,500 यानी करीब आधे आवेदन प्राइवेट हॉस्पिटलों के हैं। करीब 10,000 अस्पतालों को इस स्कीम के लिए चुना जा चुका है, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल शामिल हैं। इलाज के कुल 1,354 पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्ट बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आँखों की सर्जरी और MRI और CT स्कैन जैसी जांच शामिल हैं। आइए जानते हैं रांची के किन किन अस्पतालों में आप इस योजना की सुविधा ले सकते हैं। रांची के लगभग सभी बड़े निजी अस्पतालों में आप करा सकेंगे इलाज। रामप्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल, गुलमोहर हॉस्पिटल, प्रभावती हॉस्पिटल, रांची सेवा सदन, लेक व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सिंहपुर नर्सिंग होम, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल, हिल व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरमो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल, चंद्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान नर्सिंग होम, सुमेर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एसले प्लस सेंटर फॉर मेडिकल साइंस। इन सारे अस्पतालों में आप इस योजना की सुविधा ले सकते हैं। क्यों जरूरी थी स्कीम? देश के हर कोने से हम सुनते हैं कि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत हो जाती है। ये काफी दुखद था। ऐसी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में हमारा देश तरक्की कर रहा है। देश के विकास के रास्ते में ऐसी घटना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीमारी के कारण 5.5 करोड़ लोग गरीबों की सूची में आ गए। आज भी हमारे देश में एक बड़ी आबादी गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया कि भारत में 5.5 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए क्योंकि उन्हें इलाज में काफी पैसा बहाना पड़ा। इनमें से 3.8 करोड़ लोग तो सिर्फ दवाओं पर खर्च करने के कारण ही गरीब हो गए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 85.9% ग्रामीण परिवारों और 82% शहरी परिवारों की हेल्थ केयर इंश्योरेंस तक पहुंच नहीं है। इतना ही नहीं, देश की करीब 17% आबादी अपनी कमाई का 10% सिर्फ इलाज पर खर्च कर देते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि इस तरह की योजना क्यों जरूरी थी। पहचान पत्र है जरूरी। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। आप पात्र हैं तो आपको बस अपनी पहचान स्थापित करनी होगी, जिसे आप आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों से स्थापित कर सकते हैं। कैसे करें क्लेम? सरकार के पैनल में शामिल हर अस्पताल में आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क होगा। वहां लाभार्थी अपनी पात्रता को डॉक्यूमेंट्स के जरिए वेरीफाई करा सकेंगे। इलाज के लिए किसी स्पेशल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लाभार्थी को अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। पात्र लाभार्थी को इलाज के लिए अस्पताल को 1 पैसे भी नहीं देने होंगे। इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा। किन राज्यों में ये योजना फिलहाल लागू नहीं? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना और पंजाब ने अभी इस योजना के लिए केंद्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत नहीं किए हैं। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ सकते हैं आपका अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के पल पल के अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं आजाद सिपाही का वेबसाइट www.azadsipahi.com। धन्यवाद।